रीवा में हुआ 66.85% मतदान। ईवीएम में लॉक हुआ प्रत्याशियों का भविष्य, 2018 के बराबर रहा वोटिंग प्रतिशत। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शुक्रवार शाम 6 बजे वोटिंग समाप्त हो गई। इस दौरान प्रत्याशियों के भविष्य को ईवीएम मशीन में बंद कर दिया। जिले की 8 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 66.85% मतदान दर्ज किया गया, जो 2018 में हुए विधानसभा चुनावों के मुकाबले लगभग बराबरी पर रहा। 2018 के चुनावों में रीवा जिले में कुल 66.44% वोटिंग दर्ज की गई थी। इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट 70.74% जिले की गुड़ विधानसभा सीट पर पड़े, तो वहीं सबसे कम मतदान 62.4% मनगवा सीट पर हुआ। इसके अलावा जिले की देवतालाब सीट पर 63.22%, मऊगंज 68.2%, रीवा 68.34%, सिरमौर 62.37% और सिमरिया 70.57% रहा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी, जो शाम को 6 बजे समाप्त हो गई। इसके बाद पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन को सील करके जमा कराएंगी। मतदान सामग्री तथा ईवीएम को जमा करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था की गई है, जहां सामग्री जमा करने के लिए विधानसभावार काउंटर बनाए गए हैं। मशीनों को जमा करने के बाद इन्हें स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया जाएगा, जहां पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे नजर रखी जाएगी, जिसके लिए अलग से एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे मंत्री राजेंद्र शुक्ल। वर्तमान विधायक मंत्री राजेंद्र शुक्ल अपने परिवार के साथ मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और रीवा को देश का नंबर 1 जिला बनाने की बात कही। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे हम लोग रीवा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। यह सौभाग्य है कि जनता को मुझसे उम्मीद है कि मैं रीवा को विकसित करूंगा और रीवा को प्रदेश और देश का एक विकसित जिला बनाने का काम करूंगा। जिले के 124 बूथ पर मतदान दल की सभी सदस्य महिलाएं। जिले से मतदान के दौरान अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रीवा जिले में 2014 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 124 मतदान केंद्र पिंक बूथ बनाए गए हैं। सभी पिंक बूथ शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। खास बात यह है कि पिंक पोलिंग बूथ में मतदान दल के सभी सदस्य महिलाएं हैं। वहीं रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी की भी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वे आम मतदाताओं की तरह कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का उपयोग करते दिख रहे हैं। देर रात तक मतदान केंद्र पर पहुंची पार्टियां। मतदान कराने के लिए देर रात पोलिंग बूथ मतदान केंद्रों पर पहुंची। इस बार जिले की 8 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सामग्री तथा ईवीएम का वितरण इंजीनियरिंग कॉलेज में सामग्री वितरण के लिए विधानसभावार अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां से ईवीएम व अन्य सामग्री लेकर पार्टियों ने अपने अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान किया। सुरक्षा व्यवस्था बनाने पुलिस के साथ तैनात सेना के जवान। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जो किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिले में पुलिस विभाग ने जिला पुलिस बल SAF, PTS, होमगार्ड सहित अन्य बलों को भी लगाया है। इसके अलावा बाहर से ITBP व CRPF की कंपनियां आई हैं, जिनको संवेदनशील मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में 145 सेक्टर मोबाइल बनाए गए हैं, जो पूरे इलाके में भ्रमण कर शांति व्यवस्था बनाएंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग ने रिजर्व बल की भी व्यवस्था की है, जो विशेष परिस्थितियों में मौके पर जाकर स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है। पूरे जिले में 5000 से अधिक का बल अलग अलग स्तरों की सुरक्षा में तैनात किया गया है और खुद अधिकारी भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर पोलिंग बूथ में शांतिपूर्ण मतदान सुरक्षित करवाएंगे। शहर में 18 सेक्टर 17 मोबाइल पार्टियां करेंगी भ्रमण। शहर में पुलिस विभाग ने 18 सेक्टर बनाए हैं, जिनके लिए 17 विशेष मोबाइल पार्टियों का गठन किया गया है। इसमें एक मोबाइल पार्टी के अधीनस्थ 15 मतदान केंद्र हैं और उन सभी केंद्रों में व्यवस्था की जिम्मेदारी मोबाइल पार्टियों की है। मतदान केंद्रों के पूरे क्षेत्र का मोबाइल पार्टियां भ्रमण करेंगी और मतदाताओं को लुभाने जैसी गतिविधियों पर नजर रखेंगी। जिले के सभी बॉर्डर सील, मतदान के लिए जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। जिले में प्रवेश के लिए अंतर्राज्यीय व अंतर जिला चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें नियमित तरीके से चेकिंग की जा रही है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहिए द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।